नमस्कार, गीता किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेज बर्गर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करें। यहाँ पर हमने वेज बर्गर पेटी बनाने के लिए हाफ कर मटर और हाफ कप बीन्स हमने बारीक काट करके दोनों एक साथ में बॉईल कर लिया है, वो लिया है। दो आलू हमने उबाल करके मैश कर लिया है और आधा गाजर हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसकी वेज पेटी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा तेल डालेंगे, गाजर जो हमने क्रश करके रखा है वो हम डालेंगे, इसे हम एक मिनट तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जो बीन्स और हरी मटर जो हमने बॉईल करके रखी हैं वो हम डालेंगे। हमने बीन्स और हरी मटर बॉईल करके ली है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब हमने जो बॉईल करके मैश करके आलू रखा है वो हम डालेंगे। इसे भी हम इसी तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। मैंने ये हाफ टी स्पून काली मिर्च कूट कर ली है वो लेंगे। हाफ टी स्पून हम हल्दी डालेंगे, एक टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून हम भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे, एक टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे। अब हम ये सारे मसाले को मिक्स कर देंगे। जिस तरह से मैंने मिक्स वेजिटेबल्स डालकर बनाया है, आप सिर्फ आलू का भी बना सकते हैं। ये मिश्रण हमारा ठंडा होने तक हम ब्रेड क्रम बना लेंगे। ब्रेड क्रम बनाने के लिए हमने यहाँ पर चार ब्रेड ले ली है, उसे हम ये साइड के किनारी जो है वो काट देंगे। आप ये भी ले सकते हैं लेकिन मैंने कट कर ली है। साइड की किनारी हमने कट कर ली है। अब हम ये ब्रेड को मिक्सी जार में पीस लेंगे इस तरह से डाल करके। इस तरह से हम घर में ही ब्रेड क्रम बना सकते हैं। यहाँ पर हमने फ्रेश ब्रेड ही लिए थे, ये हमने पीस लिए हैं ब्रेड क्रम को, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम वेज पेटी बनाने के लिए स्लरी बनाएंगे। दो चम्मच चावल का आटा लेंगे, चावल की आटा की जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। दो चम्मच हम मैदा लेंगे, इसमें हम एक पिंच नमक डालेंगे। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करेंगे। एक साथ हम पानी डाल देंगे तो हमारा ये बैटर बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ही पानी डालते रहेंगे और इसे हम मिक्स करते रहेंगे। बैटर हमारा बनके तैयार है। अब हम इससे अपनी पेटी को कोट करेंगे। हमारा ठंडा हो गया है और हमने जो ब्रेड क्रम बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे। ये आधा मिश्रण हम अपने पेटी को कोट करने के लिए रख लेंगे और आधा मिश्रण हमने इसमें अपने मिश्रण में डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम अपनी पेटी बना लेते हैं। हमने जो अपना मिश्रण तैयार किया है उससे चार हमारी बर्गर पेटी बन जाएगी। तो इतनी बड़ी, जिस तरह से हमारा ब्रेड जितना बड़ा रहेगा उस तरह से हमें टिक्की भी बनानी है। तो ये साइज़ का मेरा चार टिक्की मेरी बनके तैयार है। अब इसी तरह से हम सारी टिक्की को बना लेंगे। अब हमने जो स्लरी बनाई है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से हम अपनी टिक्की को, ये जो हमने स्लरी बनाई है इसे कोट कर लेंगे। अब हम इसे ब्रेड क्रम में, ऐसे ब्रेड क्रम को अच्छी तरह से लगा देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। वेज बर्गर पेटी को हम अब डीप फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में ही हमें ये इसे डीप फ्राई करना है। हमें एक मिनट तक इसे इस तरह ही रहने देना है। उसके बाद हम इसे धीरे से इसे इस तरह से हम पलट के दूसरी तरफ कर लेंगे। ये बर्गर पेटी को हमें गोल्डन ब्राउन कलर करना है। लगभग हमें इसे 2 से 3 मिनट लगे हैं पकाने के लिए। इस तरह से हमारी पेटी बनके तैयार है। अब हम इसी तरह से दूसरी पेटी भी बना लेंगे। अब हम बर्गर ब्रेड को लेंगे और उसमें हम बटर लगा देंगे
अगर बटर नहीं है तो हम कोई भी घर में जो ऑयल यूज करते हैं वो ले सकते हैं या घी भी ले सकते हैं। अब दूसरा वाला भी बर्गर ब्रेड हम लेंगे, उसमें भी हम बटर लगाएंगे और उसे भी हम सेकने के लिए पैन में रखेंगे। हम हल्का हल्का सेकेंगे और ये सेकने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। बर्गर ब्रेड हमारा सिक चुका है। यहाँ पर हमने बर्गर सॉस बनाने के लिए 2 टेबलस्पून टमेटो सॉस लिया है और 2 टेबलस्पून मेयोनीज ली है। ये अलग अलग भी हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोनों मिक्स करके लगाएंगे। इस तरह से हम दोनों मिक्स कर देंगे। बर्गर सॉस हमारा बन गया है, अब हम इसे बर्गर में लगा लेंगे। बर्गर का नीचे वाला हिस्सा पहले हम लेंगे, उसके ऊपर हम पत्ता गोभी रख देंगे। अब हमने जो सॉस बनाया है वो हम थोड़ा रख देंगे। हमने अब जो पैटी बनाई है वो हम रख देंगे। उसके ऊपर हम 2 स्लाइस प्याज की रख देंगे, 2 स्लाइस हम टमाटर की रख देंगे। अब इसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस रख देंगे। वो हम बर्गर के ऊपर वाले हिस्से में सॉस डाल करके वो हम रख देंगे। ये हम सॉस हम अपने जैसे हमें अच्छा लगे ज़्यादा कम डाल सकते हैं। बर्गर बनके हमारा तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।